विपक्ष के लिए सरकार ने तोते छोड़ दिए। कौन से तोते और किन तोतों का आज जिक्र हो रहा है? जिक्र और फिक्र सियासत के नजरिए से उत्तर प्रदेश में इस वक्त उन तोतों का है जिन्हें कभी सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे का तोता कहा। मसला सीधे तौर पर विपक्ष के फोन टेप करने से लेकर आयकर के उन छापों तक पे आरोप प्रत्यारोप में सियासत सवार खड़ा कर रही है, जिसका जिक्र आज चारों तरफ हो रहा। सवाल ये भी खड़े हो रहे कि क्या अखिलेश यादव की रैलियों में उमड़ी भीड़ बीजेपी को बेचैन कर रही, जिस वजह से आज आयकर के छापे सियासत के इतिहास के पन्नों को पलट रहे। और क्या राजनीतिक दल संवैधानिक संस्थाओं का हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे, राजनीतिक हथियार, जिसका आरोप पुरानी सरकारों पर भी लगा। कभी विपक्ष में रही बीजेपी ने भी ऐसे ही तोहमत अपनी ही सरकारों पर लगाई और आज वो खुद सत्ता में, और तोहमत विपक्ष के रूप में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगा। आज सवाल सीधे तौर पर सियासत से पूछे जा रहे कि क्या वाकई में अखिलेश यादव पर निशाने राजनीतिक रूप से लगाए जा रहे, और इसके पीछे सियासत की एक अपनी मंशा भी है। क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो चुनाव से पहले कई ऐसे छापेमारी के किस्से आपको देखने और सुनने को मिल जाएंगे। देखने और सुनने को कैसे मिलेंगे? जब मीडिया में बताए जाएंगे तभी तो देखने और सुनने को आपको मिलेंगे। मीडिया में तो अभी तक मंदिर में मोदी जी दिखाए जा रहे, योगी जी दिखाए जा रहे, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चुनावी रंग में योगी और मोदी का ही शोर है, अखिलेश की रैलियों की भीड़ नहीं। इसके पीछे भी एक अलग वजह है जिसका जिक्र मैं करूंगा कुछ आंकड़ों के साथ। आपको वही दिखाया जा रहा है जो दिखाने के लिए कहा जा रहा, जो नहीं दिखाने के लिए कहा जा रहा वो भी बताया जा रहा, इसलिए मैं उसका भी जिक्र करूं। क्योंकि बताया जाता है कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना, और क्यों दिखाना है ये आप खुद समझते हैं, और क्यों नहीं दिखाना है ये भी आप जानते हैं। लेकिन मसला सीधे तौर पर अखिलेश यादव के उस सियासत के अध्याय से जुड़ा है जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई इज इक्वल टू बीजेपी, जो आरोप अखिलेश यादव लगा रहे। क्या ऐसा है? और मैं किस इतिहास के पन्नों को पलटकर एक किस्से को आपको सुनाने जा रहा हूं वो बताऊंगा आगे आपको, और तमाम राजनीतिक मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे हमेशा की तरह। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का बयान आपको सुनाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। सुनिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जैसे जैसे हार सताएगी, उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं की संख्या, उनके मुख्यमंत्रियों की संख्या और दिल्ली से आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, और इसमें भी कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। अभी तक तो ये संस्थाएं उनके लिए थी जो सरकार में हैं, उनकी सरकार कैसे हटाएं उसके लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा।
तो अखिलेश यादव का ये बयान आपने सुना और अब सवाल यहीं से खड़ा होता है कि क्या वाकई में विपक्ष के नेताओं की फोन टेपिंग हो रही है, ईडी और सीबीआई की एंट्री अभी बाकी है, और क्या छापेमारी के लिए तोते छोड़ दिए गए, और क्या अखिलेश यादव से क्या भाजपा घबरा गई है? और सवाल यह भी जो इस वक्त गूंज रहा है कि संघर्ष करो अपने रिस्क पर, ये बात क्यों कह रहे हैं हम, इसका जिक्र भी करेंगे। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका स्वागत करवा देते हैं। मनोज पंडित जो कि बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। बहुत बहुत स्वागत है मनोज पंडित आपका। साथ ही साथ हमारे साथ सतीश श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ चुके हैं जो कि समाजवादी पार्टी के तेज तरार प्रवक्ताओं में से एक है और कानून के जानकार भी है, छात्र भी है। कपीश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मेरे साथ एबी त्रिपाठी साहब, डॉक्टर साहब, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, तेज तरार प्रवक्ता है, और साथ ही मेरे साथ दयाराम भार्गव जुड़ेंगे जो भारतीय समाज पार्टी से है जो कि राजभर जी की पार्टी के चेहरा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर सियासत कई सवाल भी खड़े कर रही है और उन सवालों का जवाब तलाशने का वक्त आ गया है। और सीधे तौर पर अखिलेश प्रियंका का क्या क्या फोन सुनती है योगी की सरकार, जिस पर आरोप लग रहे हैं, और सियासत के नजरिए से इन आरोपों के जवाब मीडिया क्यों नहीं ले रही, ये भी अपने आप में सवाल। और आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, सीधा रुख कर रहे हैं। मनोज पंडित जी आपके पास मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा और सबसे पहला सवाल मनोज पंडित जी आपसे मेरा ये, अखिलेश यादव से घबरा गए क्या? घबराने तिलक जी, घबराने की बात ही नहीं है, घबराने की क्या बात है। जो सिस्टम है भाई, इन सबको पहले नोटिस दिए गए थे, चीजें चल रही थी पहले से, ये प्रक्रिया चल रही थी। अब चुनाव अपनी जगह है, ये सारी चीजें अपनी जगह है। अगर इन सब चीजों को चुनाव से जोड़ के देखा जाए तो मुझे लगता है ठीक नहीं है। अभी आप देखिए, अभी ऐश्वर्या राय बच्चन को अभी उन्होंने बुला के बिठाया हुआ है, तो इसका तो ये मतलब थोड़ी कि चुनाव से उसका कोई लेना देना है। ऐश्वर्या राय बच्चन भी 6 घंटे पूछताछ हुई उनसे आज, आपने देखा, तो इससे उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेना देना तो है नहीं। अच्छा अच्छा, यूपी चुनाव से कोई लेना देना? आपको लगता है क्या ऐश्वर्या राय बच्चन से या जया बच्चन से उत्तर प्रदेश चुनाव को कोई लेना देना है? अच्छा अच्छा, आपने तो लिंक कर दिया अपने आप, अब खुद छोड़िए उस बात में आगे, आपने तो खुद ही लिंक कर दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ, एक महीने पहले अभिषेक बच्चन को बुला के भी पूछताछ की गई थी, एक महीने पहले। तीन नोटिस पहले इसको ऐश्वर्या राय बच्चन को दिए गए थे, वो नहीं आई थी। तीसरे नोटिस पे, वो चौथे नोटिस पे आई है। मनोज मैं तो तथ्य लेकर बैठता हूँ, उनको समझाइए ना सर, जो हिंदू मुसलमान करते हैं आप जानते हैं। छोड़िए अब, हमें आता हूँ मुद्दे पर। सतीश जी बता रहे थे कि आपने चुनाव से पहले जो है छापे के लिए तोते छोड़ दिए, क्या ये सच है? सतीश जी आप अफवाह फैला रहे कि आपने तोते छोड़ दिए हैं? मनोज पंडित जी क्या कह रहे हैं, तोते छोड़ रहे क्या? कपीश जी कह रहे तोते छोड़ दिए आपने? नहीं, तोते का ये क्या मतलब है, ये तो मतलब थोड़ी है। कानून अपना काम करेगा, हम अपना काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है, सारे लोग अपना अपना काम है। अब चूंकि इस बौखलाहट में ये लोग एक दूसरे के ऊपर कैसी करेंगे, तो मतलब निकलता नहीं है। अच्छा अच्छा, एक बात मैं जानना चाह रहा था कि अब क्योंकि आयकर आईटी आ गया, इनकम टैक्स आ गया, अब एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था मनोज पंडित जी, अब ईडी और सीबीआई की एंट्री कब होने वाली, क्या लगता है आप? एंट्री क्या आपके हमारे कहने से होती है क्या, आप मुझे बताइए, कोई डिपार्टमेंट इनकम टैक्स हुआ या ईडी हुआ या सीबीआई हुआ, क्या हमारे आपके इशारे पे काम करता है क्या? नहीं, तो आप तो जब विपक्ष में थे तो आप कहते थे कि जो
केवी त्रिपाठी जी की पार्टी है यानी यूपीए है वो इन्हीं के इशारे पर काम करता था। सुप्रीम कोर्ट भी बताती थी कि तोते हैं, आप कह रहे कि आज आपके इशारे पर काम नहीं कर रहे। विभाग अपना कार्य भी अपने आप अपने हिसाब से करेगा। मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए कि सरकार में एक महीने पहले और यूपीए सरकार में बुलाया गया, आज ऐश्वर्या राय बच्चन को बुलाया गया। अगर कोई कानून के खिलाफ काम करेगा तो कानून अपना काम करेगा ना। मेरा बच्चन आप बुलाइए, मेरे को आपत्ति नहीं है सर, बुलाइए कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ईडी और सीबीआई की एंट्री कब होने वाली है। नहीं, अगर कोई गैर कानूनी काम होगा तो उनका वो विभाग भी अपना काम करेगा। ओके, यानी आप ये कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई की भी एंट्री होने वाली है। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अपनी बात मेरे मुंह में ना घुसाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति कानून के खिलाफ काम करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी संबंध रखता हो, उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। ओके कपीश जी, सुना आपने, वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में बिल्कुल स्वतंत्रता है कि कौन कभी भी किसी के यहाँ छापे मार सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कपीश जी, आप लोग आज थोड़ा डरा डरा सा लग रहे हैं मुझे, आप मैं जान सकता हूँ मजा, आप डरे हुए क्यों हैं? हम लोग नहीं डरे हुए, डरी हुई भाजपा है और बौखलाहट में है, क्योंकि हम लोग तो संघर्ष की उत्पत्ति है और समाजवादी पार्टी को पुराना अनुभव है, हम लोग के ऊपर पहले भी इस्तेमाल होता रहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि भाई सीबीआई और ईडी ये सारी चीजें तो केंद्र सरकार जो है उसे तोता बना के रख लेती, और सबसे बड़ा तोता तो इन्हीं के समय बनी, बल्कि मैना भी बन गई, तोता भी बन गई, अच्छा गाना गा ले रही है। आप तो देखे कि सीबीआई के अंदर ही किस तरीके से इनके यहाँ लड़ाई झगड़ा सारी चीजें मची, आपस में सारी चीजें हुई, और आपने ये भी देखा कि 70 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 कर्नोजियम के वरिष्ठ जज, जिसमें कि न्यायमूर्ति गोगोई भी शामिल थे, वो निकल करके आए थे और प्रेस वार्ता करते समय उन्होंने कहा था कि आज हम अपनी आत्मा की आवाज कह रहे हैं, और अगर आज हम नहीं कहेंगे तो हमें आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। और फिर उन्होंने बताया, ये बताइए ना, हमें कोई डर नहीं है, हमारे यहाँ 17,500 रुपया पकड़ा जा रहा है, 17,500, 1 महीने का खर्चा भी 17,500 का नहीं होता। आप सोचिए, राजीव राय जी हमारे यहाँ के प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके यहाँ छापा मऊ में पड़ा और 17,500 रुपया मिला, और इससे पहले भी आप देख लीजिए एनडीटीवी पे पड़ा, भारत समाचार पे पड़ा, वहां भी कुछ नहीं मिला, मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि सांच को आंच नहीं है, ये केवल हैरान परेशान करने की नीयत से ये सारा काम कर रहे हैं, ये अपनी ताकत दिखा रहे हैं, और हम लोग तो ताकत के विपरीत ही काम करते हैं। कानून अपना काम कर रहा है, आप करने दीजिए ना उनको अपना काम। आप कह रहे कि ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी, आपने पोस्टर लगवा दिए बकायदा, है ना? तो मैं आपसे ये बताइए, इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं जब आपने कुछ किया ही नहीं? तो मनोज पंडित, बात बेचैन की नहीं है, बात बेचैन होने की नहीं है तिलक भाई। सबसे पहली चीज तो ये है कि संवैधानिक अभिव्यक्ति का अधिकार हमें भी प्राप्त है, हम कहां कानून से रोक पा रहे हैं, रोक रहे हैं क्या? हम कह रहे हैं क्या कि छापा मत मारो? हम तो केवल ये बता रहे हैं कि इनका छापा इस वजह से है कि ये बौखला गए, चुनाव आ गया है, ये डराना चाहते हैं, ये धमकाना चाहते हैं। अरे किसे डराना चाहते हैं आप, किसे धमकाना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी 5 साल से सत्ताविहीन है और आप विपक्ष में बैठी हुई है, कौन सा हमारे ऊपर कार्रवाई आज तक हो गई और आपने दोस्ती कर दी? जवाब दीजिए मनोज पंडित, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट न दर्ज करा सके, जिसको 21 महीने तक जो है ये लग जाए कि वो टिटिम्मा एफआईआर कर रही हो जो सरकार, आप बताइए वो कहां से लेकर के आए? कपीश भाई, कपीश जी हमारे कानून के जानकार हैं, कपीश जी लॉयर भी हैं, वकील भी हैं, कपीश जी कानून को अच्छी भली भांति समझते हैं। कपीश जी है क्या, जब आपने गलत किया ही नहीं तो डर किस बात का? आपको ही बताइए ना मुझे, अगर आपके यहाँ राजीव राय साहब के यहाँ गलत कैश नहीं मिला तो 17,000 रुपए मिले तो आप क्या बताइए? क्या बीजेपी ने पैसे उनके घर में प्लान करवा कर रखवा दिया? और आप मुझे बताइए, इससे तो खुश होना चाहिए आपको, आपके राजीव राय तो खुश ही, हम नाराज कहाँ हैं? लेकिन हम ये कहेंगे ना कि तोता उड़ा, तोता चला, तोता बोला, तोता गर गया, लेकिन उसको मिला कुछ नहीं। ये तो हकीकत है ना, यही चीज 5.5 साल, यही चीज सरकार बनते ही क्यों नहीं चल रही थी? यही चीज साल भर बाद क्यों नहीं चल रही थी? यही सारी चीजें 2 साल बाद क्यों नहीं चल रही थी?
जब अब आ गया चुनाव सर पे 3 महीने और बौखलाहट दिखाई दे रही है जो हमारे यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है। अरे आप अपने यहाँ छापा डालिए ना, क्यों नहीं डालते हैं छापा? हम बताते हैं आप यहाँ से कहाँ नोट बरामद होगा। डाल लीजिए सात सितारा अपने उसमें ईवीएम 20 लाख की बरामद हो जाएगी। 20 लाख ईवीएम बरामद होगी। आप लखनऊ आप अपने दिल्ली के सात सितारा कार्यालय में डाल लीजिए। अगर उसके गर्भगृह में ना मिले तो जो कहिएगा सो। एक ज्वाइंट पार्टी कमेंट्री बना कमेटी बना लीजिए और ले चलिए तलाशी दिलाइए। 20 लाख ईवीएम आपके उसी में मिलेगी। 20 लाख बीजेपी मुख्यालय में ईवीएम पड़ी हुई है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल पड़ी हुई है और एक दो नहीं 20 लाख है, क्योंकि जब आरटीआई है 20 लाख ईवीएम मिसिंग है और लोकतंत्र उसी के सहारे चलता है, डकैती उसी से डाली जा रही है, तो जो डकैत है वो आ रहा है सत्ता में, मतों को लूट करके आ रहा है। इसीलिए 7 सितारा बनाया गया है 4200 करोड़ में। अरे 7-8 साल की सरकार में आप 20 एकड़ में बना रहे हो, 300 जगह क्षेत्रीय कार्यालय बना रहे हो, 200 जगह जिला कार्यालय बनवा रहे हो। आप हमें बताओ ना कि इतना पैसा कहां से आ रहा है? कार्यालय का विस्तार करिए ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप आरोप लगा रहे हैं कि 20 लाख ईवीएम पड़ी हुई है बीजेपी कार्यालय में। मैं तो कह रहा हूँ, आप बताइए तिलक जी तो बता रहा हूँ कि क्या ये बयान, ये बताओ कि आखिर अगर इनके यहाँ नहीं पड़ी है तो है कहाँ? ये बताओ ना कि कहाँ है, क्योंकि ये तो आरटीआई है ना, ये तो आरटीआई है ना भाई। आपने आपने कोर्ट में भी लगाया है जवाब इसका, आप पहले पता कर लें, क्योंकि मैं कामाबाई पुलिस स्टाफ कुछ सोच करके ही बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसे बात को उठा। मेरा आरोप है आप पर। और एक चीज और, आप ये बताएं जो मिसिंग मशीन है वो है कहां? आज तक FIR क्यों नहीं दर्ज किया आपने? आप ये बताएं कि कारों में मिल जाती है गाड़ी, कारों में मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में कार में मिली कि नहीं मिली? आपके नेता के कार में मिली कि नहीं मिली? अरे आपके नेता के कार में पश्चिम बंगाल में मिली कि नहीं मिली ईवीएम? अरे मुझे बताइए ना, ईवीएम आपके आपके विधायक के कार में मिली कि नहीं मिली? एक सेकंड, केवी त्रिपाठी जी, आज प्रियंका गांधी जी भी कह रही थी, राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि फोन टेप हो रहे हैं। चलिए ठीक है, अखिलेश यादव की भीड़ को देखकर, रैलियों में भीड़ को देखकर ये टेंशन बढ़ गई हो बीजेपी की। बड़े बड़े चैनल दिखा नहीं रहे, वो क्यों नहीं दिखा रहे वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन आप में क्यों इतनी दिलचस्पी लेंगे कि आपके फोन भी टेप किए जाएंगे? आप में क्यों दिलचस्पी लेंगे मनोज पंडित जी, ये बताइए। तिलक चावला जी था, अब ये पता लग गया है ले थे या जो पूरी तरह से भारत के चुका हो चुकी है। 15 लाख साहब, आपका ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ। माफी चाहूंगा, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ। केवी त्रिपाठी जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास। लेकिन प्यारा भार्गव जी, आपके यहाँ भी छापेमारी चल रही है कि नहीं चल रही? जी अभी तक आप लोग बचे हुए क्या? जी आवाज क्लियर नहीं आती। मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ कुलभूषण जी। लेकिन जयराम भार्गव जी, जी आपसे जानना चाह रहा था कि आपके यहाँ भी छापेमारी चल रही है कि नहीं? आप भी तो अखिलेश यादव के करीबी हो गए। देखिए तिलक भाई, आज भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में है। किसान 12 महीने से आंदोलनरत था, 3 कृषि कानून बिल को लेकर के बैठा था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री, नेता जो जितने भी हैं, सारे उनको क्या से क्या नहीं कहा और कहा कि ये राष्ट्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जितने भी किसान बैठे किसान नहीं है। लेकिन देश और प्रदेश में जब उपचुनाव लोकसभा और विधानसभा का हुआ, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाई। तो आप देखिए देश के सामने आके कि हम कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए, इसलिए हम कृषि कानून बिल वापस लेते हैं। ये तो देश के प्रधानमंत्री और भाजपा की है, इनकी अपनी जबानी सुनिए, ये लोग क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं। दूसरी बात, अभी 18 तारीख की वाह क्या है, दिनेश खटीक जो है उत्तर प्रदेश से राज्य मंत्री है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे किसी भी
किसी भी हमारे पार्टी में कोई दागी या इस तरह का क्या नाम है बदमाश या चोर उचक्का नहीं है। इनके साथ में चीकू बढ़ला राज्य मंत्री खटीक के 18 तारीख को मंच साझा करता है जो कि हिस्ट्री सीटर है। ये भारतीय जनता पार्टी का चर्चित चेहरा है। विपक्ष ऐसे नहीं हल्ला काटता तिलक भाई। अब मैं आपको बताता हूं भारतीय जनता पार्टी का हार का अंतर जितना ज्यादा बढ़ेगा, भाजपा आईटी सीबीआई ईडी उतना ज्यादा वो क्रमशः काम करने पे तैयार हो जाएगी। ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा आज जो छापेमारी हो रही है ये सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी के 900 कार्यालय पहले जो किराए पे हुआ करते थे आज मल्टीनेशनल कार्यालय बन जाते हैं, जो कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्या नाम जेपी नड्डा जी, वो खुद कहते हैं 500 कार्यालय हमारे बन के तैयार हैं, 400 कार्यालय पे काम जारी है। ये पैसा कहां से आया? भारतीय जनता पार्टी ने फैक्ट्री लगा रखा है, इसके ऊपर चर्चा कौन करेगा? दूसरी बात पेगाज भाई सुन लीजिए, सुनिए हमारी बात, सुनिए आपको 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 डर किस बात का है? नहीं हमें डर किस बात का, हमें तो जनता से डर है, हमें भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता से डर नहीं है भाई, हमें तो जनता से डर है कि ये जनता कहां से कहां लाके भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ में जनता में कर दी। इन्होंने नौकरी का वादा किया था, इन्होंने महंगाई कम करने का वादा किया था, इन्होंने नौकरियों का वादा किया था, इन्होंने स्वास्थ्य सस्ता देंगे उसका वादा किया था, कानून व्यवस्था अच्छा देंगे उसका वादा किया था, इसके उलट क्या किया? 100% महंगाई बढ़ा दिया, कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दिया, बहन बेटियों को रात को 2:30 बजे जला दिया जाता है। ऐसा कौन से काम नहीं जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं होता? एक अच्छी और बात बता दूं, सब इतिहासों में भारतीय जनता पार्टी में दर्ज होता है, पहली बार इतिहासों में दर्ज है कि शमशान घाट से लाश गाजी क्या नाम घर आता है। आप देखिए गाजियाबाद का मोदी नगर का शमशान घाट भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन है उनके द्वारा जो है क्या नाम छत डाली गई थी, 6 महीने में भर भरा के गिर जाता है, 24 आदमी की उसमें मृत्यु हो जाती है। आदरणीय नेताजी जा रहे थे कार्यक्रम को, उनकी गाड़ी को बाबा की पुलिस ऐसे चेक कर रही थी आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जैसे कितने बड़े क्रिमिनल हो। आपको ये वीडियो का बिजुल भी मैं दिखा दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का चाचलित चेहरा है। विपक्ष के लोगों को ये दमन करने का काम करते हैं, सीबीआई और ईडी से धमकाने का काम करते हैं, कुछ ना कुछ तो करने का काम करेंगे, मानसिकता घृणित करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। के मित्र पार्टी जी मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? आपको मेरी आवाज आ रही है जी? के मित्र पार्टी जी मेरा सवाल आपसे यही था कि अखिलेश यादव की रैलियों में उमड़ी भीड़ से चलिए बीजेपी टेंशन में आ सकती है, लेकिन आपके फोन टेप करने में दिलचस्पी क्यों जताएगी बीजेपी? बीजेपी को साफ पता है का संकल्प और कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प इस देश में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में। कांग्रेस उनके लिए एक बड़ी चुनौती है और जिसके लिए वो लगातार सभी सरकारी एजेंसियों को मॉडल बना के यूज करते हैं। मैं कहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो उत्तर प्रदेश में रैलियां हो रही है अगर उनका सच देखे तो आरटीओ को आदेश करने के बाद वहां पे फसलें लगाई जाती है, सरकारी जो कर्मचारी है उनको वहां रैली में ड्यूटी लगाई जाती है और उससे भीड़ दिखाई जाती है। इस समय जो थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलट देते और क्यों कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई की अभी एंट्री भी हो सकती है। अब मैं आता हूँ अहम विषय पर। मनोज पंडित जी, अजीत पवार, सबसे पहले शुरुआत करता हूँ महाराष्ट्र से। अजीत पवार के यहाँ सितंबर में छापेमारी, आपके सहयोगी ना होने का
क्या अंजाम भुगतना पड़ा? बाकी दूसरा 21 फरवरी ममता बनर्जी के भतीजे के घर पर छापेमारी, ठीक चुनाव से पहले। ऐसा ही एक मसला अप्रैल में आया और जगह थी तमिलनाडु, एक बड़े नेता की बेटी के घर पर छापेमारी और ठीक चुनाव से पहले। और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, अखिलेश यादव के करीबियों पर छापेमारी, ये सब इत्तेफाक है मनोज पंडित जी? जी मैं ये कह रहा हूं कि जब आप गलत हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, नहीं आप ये इत्तेफाक हो सकता है, चीजें हो सकती है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर गलत नहीं है तो आप टेंशन लो मत, काम करेंगे तो करो। इत्तेफाक है, आप ये कह रहे हैं इत्तेफाक है। आप सिर्फ ये बताइए दिसंबर में अजीत पवार के यहाँ छापेमारी, ये भी इत्तेफाक थी? ममता बनर्जी के भतीजे पर चुनाव से पहले छापेमारी, ये भी इत्तेफाक था? तमिलनाडु में एक बड़े नेता की बेटी के घर पर छापेमारी ठीक चुनाव से पहले अप्रैल में, ये भी इत्तेफाक था? मनोज पंडित जी आप क्या चाहते हैं कि जब चुनाव हो तो कानून अपना काम करना बंद कर दे? चुनाव में ही एक्टिव क्यों? तो चुनाव टेनी की गिरफ्तारी करे, टेनी की गिरफ्तारी क्यों नहीं करता है कानून? टेनी की गिरफ्तारी कानून क्यों नहीं कर रहा है? टेनी का इस्तीफा संवैधानिक रूप से क्यों नहीं लिया जा रहा है? आखिर हत्याओं के धारा में उनका नाम है, वो नामजद अभियुक्त है 154 सीआरपीसी के, वहां कानून क्यों नहीं काम कर रहा है? टेनी का बेटा जेल में है। अरे टेनी के बेटे से क्या मतलब है, जब टेनी खुद ही उसमें नामजद अभियुक्त है? आपको मालूम है कि नहीं, सेक्शन 34 और 120 बी के तहत 302 के वो मुलजिम है। समान आशय समान उद्देश्य, षड्यंत्र की धारा लगी तो उसकी पेनाल्टी 302 में है। अब मुझे आप बताइए कि वहां कानून काम क्यों नहीं कर रहा है? क्यों कानून, कभी जी कानून काम कर रहा है, आप बताइए। अरे भाई तो टेनी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? टेनी को पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा है? अगर अगर अधिकारी उचित, क्या हत्या की धारा संगीन नहीं होती है? क्या हत्या की धारा संगीन नहीं होती है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ बिल्कुल, लेकिन ये तो विभाग तय करेगा, सिस्टम तय करेगा कि किसकी गिरफ्तारी करनी है किसकी नहीं करनी। पर लेकिन मनोज पंडित जी, मैंने तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, 1 सितंबर, 1 फरवरी और 1 अप्रैल का मसला है। जहां जहां चुनाव हुए वहां वहां छापेमारी हुई, और ठीक चुनाव से पहले इस तरह की छापेमारी होती है, आखिरकार क्यों? ये सब इत्तेफाक लगता है। अब कब, अब तिलक जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ छापेमारी हुई तो क्या वहां पे कुछ घोटाला नहीं था क्या, या ये विभाग ने अपनी तरफ बड़ा गलत कहानी बना के छापेमारी कर दी? आज अरे आज आप बताओ ना, भारत समाचार में कोई घोटाला होता है? टीवी पे आपने छापा मारा कुछ मिला? आपने राजीव राय के घर पे छापा मारा कुछ मिला? पूछताछ की पनामा नहीं चाहते मामले में, तो क्या उसकी जांच, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता क्या क्यों नहीं छापा है? भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता क्या छापा क्यों नहीं है? सब तो करोड़पति और अरबपति है, कोई 16,000 गुना कंपनी लगाने कमाने लगती है। पंडित से जानकारी लीजिए, चेयरमैन हो जाता है। तिलक भाई मनोज पंडित से जानकारी लीजिए, 18 तारीख को इनके राज्य मंत्री दिनेश खटीक जी हैं, मेरठ में आते हैं। चीकू बड़ाला जो हिस्ट्री सीटर है वो मंच साझा करता है, और उसमें जो है 28 मुकदमे दर्ज है, लूट हत्या अपहरण बलात्कार के जघन्य अपराध है, वो मंच साझा करता है। उसके ऊपर बाबा का बुलडोजर कब चलेगा, उसका घर कब गिरेगा भैया, उसकी गिरफ्तारी कब करेंगे? अरे ये लोग इतना जबरदस्त सफेद जुड़ते हैं, ये तो ऊपर वाले से भी नहीं डरते, ये तो राम के भक्त है। राम के भक्त को जमीन जो है 5 मिनट के अंदर में जमीन को दुगना करके बेचने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनकी मानसिकता क्या चली, चेहरा गंदा जान चुकी है उत्तर प्रदेश की। एक सेकंड, त्रिपाठी जी, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? जी आ रहा है, मेरा मिल रहा है आपको? बहुत बढ़िया आ रहा है ऑडियो। अब मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था जी। सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि प्रियंका गांधी कह रही है कि फोन टैपिंग हो रही है, और विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि फोन टैपिंग हो रही है,
और आप लोग अखिलेश यादव के साथ इस मसले को लेकर खड़े दिखाई दे रहे हैं, क्या नजदीकियां बढ़ रही है क्या? तिलक जी, जहां तक मैं कहूं, नजदीकियों की बात नहीं है, बात न्याय की है, बात है व्यवस्था की। जब लोकतंत्र की हत्या हो रही हो, संविधान की हत्या हो रही हो, तो उस समय किसी को भी चुप नहीं बैठना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह से सभी सरकारी एजेंसियों को खंटल बना के यूज कर रही है। मोदी जी की रैली हो तो एआरटीओ बसें लगवाएगा, सरकारी कर्मचारियों की वहां ड्यूटी लगाई जाएगी, क्योंकि इनका छल कपट झूठ धोखा सबके सामने आ चुका है। हर मोर्चे पर असफल सरकार है, ऐसे में विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हर जगह की गई। जब प्रियंका जी किसानों की आवाज उठाने फिरी जाती हैं, तो उनको 70 घंटे की अवैध हिरासत में रखा जाता है, बिना कोई मुकदमा लिखे और बिना कोई सुनवाई हुए उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। उसके बाद लगातार यह वहां पर जब उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के स्वतः संज्ञान के बाद वहां पर कहा जाता है कि सरकार अपराधियों के साथ खड़ी दिखाई देती है, उसके बाद अभी तक सरकार का कोई रुख नहीं है। क्या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी से मोदी जी इस्तीफा मांगने वाले हैं या उनको बर्खास्त करने वाले हैं? तो आज जब ऐसी चीजें जनता के सामने आ रही है, कोशिश ये है कि विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाए। आपके मंत्रियों तक ने कहा कि फोन टेपिंग होती है, ये आरोप तो आपकी सरकार ऊपर भी लगे। निश्चित तौर पे उसकी जांच भी हुई, अब तो 7 साल से मोदी जी की सरकार है। मोदी जी बताते कि कहां हुई है फोन टैपिंग, लेकिन आज तो राजीव राय साहब ने साफ कहा कि ऐसे प्रश्न मुझसे पूछे जा रहे थे जिनसे पता लग रहा था कि मेरी फोन टैपिंग हो रही है। अगर जो आज आपकी किससे बात हुई उसको कोई दूसरा बता रहा है तो ये कैसे बता रहा है? हमारी आपकी जो निजी बातचीत है वो भी किस तरह से सरकारी एजेंसियों के पास है, और ये एक आदमी के साथ नहीं, पेगासस का तो मुद्दा अभी आया है ना, उसमें सरकार ये क्यों नहीं जवाब दे रही? इजराइल कह रहा है कि हम तो सरकार को ही ये सॉफ्टवेयर बेचते हैं। आप विपक्षी नेताओं के मोबाइल पर पेगासस यूज करेंगे, आप ईडी का प्रयोग करिए, सीबीआई का प्रयोग करिए, इनकम टैक्स का प्रयोग करिए, और भी कोई संस्था बची हो उसका भी प्रयोग कर लीजिए। ऑलरेडी आप जान रहे हैं जो अभी भी आज मनोज पंडित पर आप ये आरोप लगा रहे हैं, कल तो आप सत्ता में थे, आपके भी ये आरोप लगते थे, यहाँ तक की कोर्ट कहता था कि तोते हैं, आज आपको इन्हीं तोतों से डर लग रहा है। इन्हीं तोतों को डर लगने की बात नहीं है, वो तो विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है, आज भी विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन कुछ चीजें प्रमाणित भी तो होती हैं। उनके पीछे 7 साल में मोदी सरकार में आने के बाद कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन आज जो चीजें उनके तो प्रमाण सामने दिख रहे हैं। क्या पश्चिम बंगाल में उन्होंने नहीं किया? क्या दिखा रहे हैं? मैं आ रहा हूँ आपके पास, मनोज पंडित जवाब दीजिए। आप तिलक जी, ये सब मन ग्रंथ कहानियां हैं, कोई इनके पास सबूत नहीं है। आप चूंकि हताश हैं, जनता का रुख देख रहे हैं, उसको देखते हुए इनको लग रहा है कि ये सब एक नया सगुफा छोड़ा जाए, जिससे कि मनोज जी कौन सा जनता का रुख आप नहीं देख रहे हो। आप देखिए प्रियंका जी की रैलियों की भीड़, अखिलेश यादव की रैलियों की भीड़, और दूसरी तरफ मोदी जी की रैली में जुटाई हुई भीड़, सरकारी फ्रंटल एजेंसी, परसों शाजापुर में रैली हुई थी, आज तक यात्रियों को बसें नहीं मिल रही हैं, 4 दिनों से रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है, 500 बसों की जिम्मेदारी एक जिले के एआरटीओ को दे दी जाती है, निजी बसें पकड़ के लाके आप दीजिए, पूरे सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लग जाती है। चूंकि डबल इंजन सरकार सिर्फ किसानों पर चढ़ने के लिए, गरीबों और कमजोरों को कुचलने के लिए काम कर रही है, डबल इंजन अब जनता को दिख रहा है, दिख रहा है कि यह सरकार छल कपट झूठ धोखा पर ही टिकी हुई है। ये सरकार है भूख भ्रष्टाचार से ही चल पाएगी। ये सत्ता जीवी, विज्ञापन जीवी, चुनाव जीवी लोग हैं तिलक जी, जो सिर्फ भय पैदा करते हैं। हिंदुओं को भय है, मुसलमानों को भय है, आज दलितों को भय है, आज सबको भय है, हर जगह भ्रष्टाचार और भूख मिटा हंगर इंडेक्स में कहां पहुंच गए? तिलक भाई, एक सेकंड कृपा कीजिए। तिलक भाई, मैं बार-बार आपके स्क्रीन पे थोड़ा अगर जूम करके दिखाऊं, ये मंत्री दिनेश खटीक है, मैंने कहा ना 18 तारीख का मेरठ का मंच है, और ये 14 को क्या तो हिस्ट्री सीटरों में से एक है मेरठ का, और इस पे दर्जनों मुकदमे हत्या लूट का, बलात्कार का, जघन्य अपराध का है। और आप देखिए खटीक जो मलिक क्या नाम मंत्री जी के बगल में फोटो खींच रहा है, हमारे मनोज भाई इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे? अरे कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शरण तो आती नहीं है। जब कोई आदमी जमानत पे बाहर होगा तो क्या पार्टी उसे उठाकर जबरदस्ती अंदर कर देगी? अरे ये काम पार्टी का है। अरे मनोज भाई, मनोज भाई, मनोज भाई, पार्टी का काम है। मनोज भाई एक शब्द और लीजिए, जमानत दी है तो बाहर है वो,
अरे मनोज भाई एक शब्द और लो भाई, अरे सुनिए, अरे बताता हूँ, अरे तपेश जी बैठे हैं, जनपद जनपद जो है कानून की जानकारी अगर आपको नहीं है तो कपीर जी से ले लीजिए, वही आपको बता देंगे। अब यही रह गया, ये जो हिस्ट्री सीटर है बाबा की सब पे बुलडोजर चलती है। इसी तरह का उत्तर प्रदेश में विकास दुबे की बात थी, जब तक भारतीय जनता पार्टी से लाभ मिलता रहा विकास दुबे इनका हीरो था। जिस दिन विकास दुबे ने इनके लिए हानिकारक काम किया बाबा की पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। ये मेरा आप पे आरोप है, बताइए हमको क्यों ऐसा हुआ, विकास दुबे के साथ क्यों ऐसा हुआ बताइए हमको। और दूसरी बात, मुकेश राजभर आजमगढ़ का साइकिल चोर, मुकेश राजभर आजमगढ़ का साइकिल चोर, उसकी बाबा के पुलिस उठा करके एनकाउंटर करती है। जो साइकिल चोर है उसका एनकाउंटर होता है, जिस पे दर्जनों मुकदमे दर्ज हो, वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के साथ फोटो खींचते हैं, मंत्रियों के साथ फोटो होता है। और बताऊ, रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने वाला इस समय जो है क्या नाम है, पिछली गली से निषाद पार्टी में आ जाता है, उसको टिकट दे रही भारतीय जनता पार्टी। ये है भारतीय जनता पार्टी का चार चलित चेहरा। भार्गव जी किसने दिखाया था जी, वो दिखाया किसने था ये आप देखिए ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने दिखाया था ना, न्यूज़पल इंडिया ने दिखाया था जी जी जी, मैं वही बता रहा हूँ, मैं उसी चीज को बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जवाब देने से भक्ती है, भारतीय जनता पार्टी अपनी व्यवस्था से भक्ति है, भारतीय जनता पार्टी 24 करोड़ जनता का खून चूसती है, भारतीय जनता पार्टी 24 करोड़ जनता को न्याय स्वास्थ्य व्यवस्था रोजगार दवाई कुछ भी नहीं दे सकी। बेटियों के साथ अन्याय होता है, भारतीय जनता पार्टी अत्याचार करने वाले के साथ खड़ी हो जाती है। आप राज पर जिंदाबाद के भी नारे लगाओ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं विषय पर आ रहा हूँ। अभी मुझे एक बात बताइए, मैंने एक महत्वपूर्ण बिंदु को उठाया चर्चा के बीच में और मैं चाहूंगा कि उस पर मनोज पंडित जी और आप जो है थोड़ा प्रकाश डालिए और मेरे तथ्यों को भी करेक्ट करिएगा। जहां तक मेरे जहन में है, महाराष्ट्र में एंट्री हुई इनकम टैक्स की सीबीआई की, जब अजीत पवार ने हाथ खड़े कर दिए इनसे दूर होकर, और वो वक्त था सितंबर का, 21 फरवरी को ममता बनर्जी के भतीजे के यहाँ छापेमारी ठीक चुनाव से पहले, अप्रैल में तमिलनाडु में चुनाव होने से पहले एक बड़े नेता की बेटी पर छापेमारी, ये सब इत्तेफाक था। दूसरे इत्तेफाक था जैसे कि मनोज पंडित जी कह रहे हैं कानून अपना काम कर रहा है, तो कपीस जी अब तैयार रहिए, ईडी और सीबीआई भी कभी भी एंट्री हो सकती है, तैयार है आप? नहीं, हम लोग तो हमेशा तत्पर रहे हैं, पहले भी और अब भी तत्पर है, हमें क्या कोई दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन दिक्कत लोकतंत्र को जरूर है। नहीं, इत्तफाक कैसा, आपको मैं बताऊं, इनकम टैक्स के बहुत बड़े अधिकारी जो महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर थे, और जब ये छापे पड़ रहे थे इनके यहाँ पल पल पे फोन आता था, अब मार दो, अच्छा सरकार बन रही है रुक जाओ, अच्छा मार दो अब सरकार बन रही है रुक जाओ, ये उस अधिकारी के बोल हैं, क्योंकि वो नौकरी पे हम नाम नहीं ले सकते। और ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूं, बहुत दुखद स्थिति है। अगर दुखद स्थिति नहीं होती तो क्या 70 साल के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के 4 वरिष्ठ जज आकर के बाहर को कहते कि देश के संवैधानिक ढांचे को खतरा है, देश के संविधान को खतरा है और लोकतंत्र को खतरा है? किससे खतरा है? सुप्रीम कोर्ट को किससे खतरा था? सुप्रीम कोर्ट को और किसी से तो खतरा था नहीं, कार्यपालिका तो उसका कुछ कर नहीं पाती। यही है सरकार साहब, मोदी जी के लिए कह रहे, और जब वो कह रहे हैं तो कपिल श्रीवास्तव कौन सी खेत की मूली? भाई बहुत सीधी सी बात है, देश जान रहा है, सब लोग जान रहे हैं, मनोज भाई भी जान रहे हैं, जब उत्तराखंड में सरकार गिराई गई थी और हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई थी तो आप बताइए क्या था, जहां इनके दो होते हैं विधायक वहां तो ये सरकार बना लेते हैं। ओके, वैसे आपने गोवा के अंदर देखा, वही एंट्री होगी। ओके मनोज पंडित जी, मैंने वही सवाल पूछा, ऑफिसी होगी अब ईडी और सीबीआई की एंट्री, मनोज पंडित जवाब दीजिए, फिर केबी त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूँ। तिलक जी, मैं सिर्फ एक बात का जवाब देना चाहता हूँ कि आप कितनी भी प्रोपेगेंडा बना लीजिए, अब जनता आपके भरमाने में नहीं आने वाली, अब प्रोपेगेंडा वो है काम करेगा, प्रोपेगेंडा को तिलक साहब का बना रहा है क्या, नहीं करेगा, वो नहीं चलेगा, गया वो समय कि जब आपको
अब देश की जनता कामी सब समझती है और जानती है कौन उसका हितधारी है और कौन उसका हितधारी नहीं है। मनोज पंडित, मैं आपको बताऊं प्रोपोगंडा क्या होता है, पूरे हिसाब लेकर बैठता हूं मैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं हिसाब के पन्नों को पलटना शुरू करूं और प्रोपोगंडा जो चल रहा है कहां कहां चल रहा है वो सब जानता हूं और किन किन अखबारों के फ्रंट पेज पर एक एक महीने के लिए विज्ञापन तय कर दिए गए हैं वो जनता अपने आप समझती है। तो इसलिए प्रोपोगंडा मुझे मत सिखाइए। प्रोपोगंडा यहां पर अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो हिसाब देना भारी पड़ जाएगा। मनोज बताऊं सर, चाहते हैं? है मेरे पास पूरा हिसाब। बताइए मनोज भाई, जानना चाहेंगे? बताओ मनोज भाई, जो पत्रकार महोदय कह रहे जानना चाहेंगे प्रोपोगंडा किसे कहते हैं, बताइए। भार्गव जी, प्रोपोगंडा नहीं चलाता मैं सिर्फ और सिर्फ सवालों के तराजू पर आप लोगों को तोल लेता हूँ। प्रोपोगंडा जो चलाते हैं वो हिंदू मुसलमान दिखाते हैं, वो चार चार घंटे जो है गंगा में नहाते प्रधानमंत्री जी की 55 कैमरों की तस्वीरें दिखाते हैं, अखिलेश यादव की रैलियों में उमड़ी भीड़ सवाल खड़ा कर रही है। मैं इससे कह रहा हूं मनोज पंडित जी, अगर आप ये कह रहे हैं, 2012 का एक उदाहरण देता हूं आपको, अखिलेश यादव ने अपने चुनाव प्रचार पर खर्च किए 85 करोड़ रुपए और योगी सरकार जी इन आखिरी महीनों में चुनाव में कितना प्रचार में खर्च कर रही है मालूम है आपको, 160 करोड़ रुपए जी। एक तरफ 85 करोड़ और एक तरफ 160 करोड़, सिर्फ इस आखिरी महीनों का मैं जिक्र कर रहा हूं। कौन कर रहा है प्रोपोगंडा बताएंगे आप? नहीं, वो विकास में खर्च हो रहे हैं, चीजों में खर्च हो रहे हैं। अब आप ये बताइए कि हम मुद्दों से भटक के हम सीबीआई पे चले जाए, उत्तर प्रदेश के दिए उसमें बात ना करें, कितने मेडिकल कॉलेजेस दिए उसमें बात ना करें। मैं आगे सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ कितने एयरपोर्ट दिए उत्तर प्रदेश में उसमें बात ना करें। सबसे ज्यादा खर्च देश के प्रधानमंत्री ने किया कितना मालूम है आपको, 2014 से 2019 का आंकड़ा बता रहा हूं, 5749 करोड़ रुपया, 5749 करोड़ रुपए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खर्च किए। मैं गलत बोल रहा हूं? सही है। नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा, गलत बोल रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं सर, यूपी चुनाव में आपने किस किस चैनलों को विज्ञापन दिए हैं और उनके चैनल के उद्योगपति कौन है वो भी बताइए ना सर, प्रोपोगंडा वहां चल रहा है। इस मीडिया हाउसेस में किसके पैसे लगे हुए वो भी बताइए फिर, इसे कहते हैं प्रोपोगंडा साहब। 55 कैमरों को आप देश को दिखा रहे हैं 24 घंटे, प्रोपोगंडा इसे कहते हैं। मनोज पंडित जी, गलत बोल रहा हूं तो बताइए, आंकड़े झूठे हैं। चलेगी सर ऑडियो? बिल्कुल जाएगी तिलक भाई, बिल्कुल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी परेशानी है, जब ये मुद्दे होते हैं तो इनको या तो आवाज नहीं आता ना सुनाई देता है, ये सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी इसी तो भागती है, ये सिगुफा छोड़ने में माहिर है। लेकिन मनोज पंडित जी, इसने जो आपने प्रोपोगंडा का आरोप लगाया ना, सुनिए मेरी बात, सुनिए, यहां भी छापा पड़ने वाला है, सुनिए केबी त्रिपाठी जी, सुनिए मेरी बात, सुनिए, मेरे यहाँ छापा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो एक अलग विषय है। मैं एक बात बताऊं, अगर प्रोपोगंडा मुझे चलाना होता ना मनोज पंडित जी, तो किसी बड़े चैनल में बैठ के प्रोपोगंडा चला रहा होता। ये तिलक चावला की कलम है, गुलाम नहीं हुई कभी। बिल्कुल सही बात, कोई खरीद नहीं पाया 100%, इसमें कहीं दो राय नहीं। इसलिए कह रहा हूं सर, प्रोपोगंडा जो चलाते हैं उनको बताइए, और मैं जानता हूं पूरा देश जानता है प्रोपोगंडा कौन चलाता है। मैं कभी हिंदू मुसलमान के विषय पर डिबेट नहीं करता, चर्चा ही नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कंगना का छज्जा नहीं है, मेरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का, मैं उस पर चर्चा करता हूं। इसलिए प्रोपोगंडा जो चलाते हैं सर उनसे चलवाइए, मेरे से प्रोपोगंडा नहीं चलवा पाएंगे,
क्योंकि मैंने जीवन में सिर्फ जो कमाया है वो ईमानदारी कमाई। केबी त्रिपाठी साहब जी, कपीश जी कह रहे हैं तो अभी सीबीआई और साथ साथ ईडी की भी एंट्री होने वाली है, आपको भी ऐसा लगता है क्या? निश्चित तौर पर तिलक जी, सभी सरकारी एजेंसियों का यूज हो रहा है और आगे भी होगा, और जैसा कि अभी आपने जिक्र किया यह सरकार पूरी तरह से विज्ञापन जी भी है। धन्यवाद मोदी जी, हर काम के लिए धन्यवाद मोदी जी। आखिर कितना धन्यवाद दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगर जो 38 की बात की जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि पब्लिक वेलफेयर स्टेट है, सरकार की जिम्मेदारी है ये काम करना, चाहे वो टीके का मामला हो, चाहे किसी स्वास्थ्य किसी भी क्षेत्र का मामला हो, काम थोड़ा किया जाएगा ढिलोरा ज्यादा पीटा जाएगा। और ऐसे में अगर जो विपक्ष आवाज उठाएगा, चाहे वो खीरी का मुद्दा हो, चाहे हाथरस का मुद्दा हो, या कहीं भी अन्याय होगा, तो विपक्ष के नेताओं को सरकारी एजेंसियों का डर पैदा किया जाएगा। ठीक चुनाव के पहले जब सरकार खुद स्वीकार कर रही है, केबी त्रिपाठी जी, उपयोग होता है जी, उपयोग होता है सर सरकारी सरकारी एजेंसियों का निश्चित तौर पर आज दुरुपयोग हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। आप भी करते थे तिलक जी, ऐसे आरोप तो हमेशा लगते रहते हैं, लेकिन अगर जो भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती थी, तो 7 साल से मोदी जी सरकार में हैं। एक आरोप याद दिलाऊं, मुलायम जी ने भी कहा था सीबीआई का दुरुपयोग हुआ, निश्चित तौर पे ऐसे आरोप केंद्र की सरकारों पर लगते हैं। आरोप नहीं पूछे कपीश जी, मैं गलत बोल रहा हूं कपीश जी, क्या यूपीए ने दुरुपयोग नहीं किया? मैं नहीं कह रहा, ये तो मुलायम जी कहते थे। ये हकीकत है, हम लोग तो खुलेआम हम लोग कहते हैं कि देखिए इन्हीं से सीखा है भारतीय, वही लौटा रही है और उनसे बढ़ा चढ़ा के लौटा रही है। अगर इन्होंने आधा किलो का पसंगा लगाया था तो वो सीधे 2 किलो का लगा रहे, तो इसमें कहीं दो राय नहीं है, सीखा कांग्रेस से ही है। और क्या आपातकाल का दौर हम भूल सकते हैं क्या कि किस तरीके से लाया गया था? ये बात ठीक है कि इंदिरा गांधी जी ने उसके बाद सबक भी लिया, उनको जेल भी हुई थी, तो वो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें पटल पर हैं। और इतना हम जरूर कहेंगे कम से कम उसके बाद इंदिरा जी उससे बड़े बहुमत से सरकार में आई। हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैंने तो वही कहा जो आप कह रहे हैं, मैंने तो वही कहा कि कम से कम इतिहास से सबक लेने की जरूरत है। अब से कभी यूपीए या कांग्रेस सरकार में आती है तो वो काम ना करे जो इसने भाजपा को सिखाया, क्योंकि आज 500 ग्राम आपके समय में था तो 2 किलो का ये चढ़ा रहे, दिक्कत इस बात की। तोता पहले भी सीबीआई थी, तोता आज भी है, थोड़ा सा तोता कम उड़ा करता था, अब तोता हर छोटे छोटे घरों में भी जाके बैठता, अंतर यही हो गया। पहले नेताजी के घर पे बैठता था, अखिलेश जी के, डिंपल जी के घर पे बैठता था, लेकिन अब जो तोता है वो राय साहब के भी घर बैठे, हो सकता है कल कपी श्रीवास्तव के घर पे भी बैठे। अच्छा तो तोता जो था वही सरकार चला रहा था, मतलब मुलायम जी समर्थन दे रहे थे यूपीए को? नहीं नहीं, बात समर्थन देने की नहीं है। अच्छा, देखिए वहां जब आप उस चीज की बात करेंगे तो एक बहुत सीधी सी बात है, एक तरफ कुआं हो दूसरे तरफ खाई हो तो कभी कोई कुआं में ही कूदेगा कि गांव वाले आके बांस डाल के निकाल लेंगे, खाई में कोई नहीं कूदेगा। तो कांग्रेस क्योंकि सांप्रदायिक दल नहीं है तो बहुत सीधी सी बात है, एक सांप्रदायिक दल को हटाने के लिए हम लोगों की मजबूरी भी होती। ओके भार्गव जी, जी कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ कहीं ना कहीं आज टेंशन का सबब बनी हुई, यानी एक चुनौती के रूप में अखिलेश यादव सामने उभर कर आ रहे हैं, और केबी त्रिपाठी जी को भी लग रहा है कि अब फायदा यही है कि अखिलेश के साथ खड़े हो जाओ इस मुद्दे पर। ये तो तय आला कमान ने किया है। देखिए आपको क्या संकेत दिखाई दे रहे हैं? देखिए तिलक भाई, हमने कहा ना, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश राजभर जी, समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, आप देखिए जब से दोनों नेताओं का मिलन हुआ उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदल गई है। यही भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक के कान पे रुई ठूंस करके चिल्लाती थी, जैसे होता नहीं है कि चिल्लाना और अपने काम को बंद करना कि सरकार हमारी बन रही है। आज आप देखिए 27 अक्टूबर मऊ के जो है हल्दर मैदान में जो भीड़ उमड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हुआ, रात में सपने आने लगे। ये ताकत है राजभर जी का, ये ताकत है यादव जी का। अब रही बात,
देश की चिंता छोड़ो, उत्तर प्रदेश की जो दशा दिशा है, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता 75 जिलों में जिस तरह ताहिमाम, देखिए अधिकारी खुद कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन अमला कह रहा है कि सरकार जो बदल रही है, अब जब सरकार बदल रही है तो योगी जी की मानसिकता क्या बदलेगी? नहीं, वो सरकारी तंत्र के महकमे के ऊपर डंडा लगा दिया है। अभी केशव प्रसाद मौर्य के बेटे, अब मेरी बात सुने तिलक भाई, केशव प्रसाद मौर्य के बेटे अपने पिताजी के विधानसभा में विधानसभा में जाते हैं, वहां जाके कहते वोट मांगने के लिए, विधानसभा की जनता कहती है भाई आपने तो विकास किया नहीं, हम किस बात का वोट दें, और जनता वहां पे लठ लेके खड़ी हो गई, जूता चप्पल लेके खड़ी हो गई विधायक जी के बेटे केशव प्रसाद मौर्य की। ये हालात उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हो गया। और बताऊं, उत्तर प्रदेश के बहुत से सारे विधायक हैं, इस बात की चर्चा में उन्होंने क्या बताऊं आपको, नाम नहीं लेना चाहता, सब लोग कह रहे हैं कि सरकार अखिलेश की राजभर्ती की बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि जनता जो बदलाव के मूड में है और सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 24 करोड़ भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी तब की बात है, बिल्कुल बयान पे काबिज नाराज हो गए, नाराज मत हो भार्गव जी, नाराज मत, ओवैसी को डिप्टी सीएम बना रहे, मैं कब मना कर रहा हूँ, भागीदारी संकल्प मोर्चा, आप कोई दिक्कत नहीं, आप नाराज हो रहे हैं, नहीं नहीं नाराज नहीं हो रहे, मैं तो बता रहा हूँ आपको, भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाइए अपने रिस्क पर, संघर्ष करो अपने रिस्क पर। मनोज पंडित जी आप ऑडियो आ गया ना सर, मैं आखिरी एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे, मैं इसलिए चेक कर रहा था कि ऑडियो आया नहीं आया, मैंने इनसे कहा कि संघर्ष करो अपने रिस्क पर, कपीसी मैंने ये बात क्यों कही त्रिपाठी जी, इसके पीछे एक वजह थी, और इसके पीछे वजह ये थी कि जब बीजेपी विपक्ष में थी, मैं तीन अधिकारियों के नाम ले रहा हूं, वो सरकार से सवाल पूछते थे या सरकार के सामने आकर चुनौती बनकर खड़े हो जाते, तो बीजेपी कहती थी वाह देखिए ये होते अधिकारी, और आज उनका सूरत हाल क्या है मैं आपको बता रहा हूं, उनके संघर्ष का मैं जिक्र कर रहा हूं, जब वो थे कपीश जी पर सवाल उठाते थे तब ये मनोज पंडित जी कहते थे बहुत बढ़िया, सूर्य प्रताप 7 मुकदमे दर्ज हैं, उसी अधिकारी जो ईमानदार थे, लेकिन मनोज पंडित जी कहते थे कि नहीं आज 7 मुकदमे दर्ज हैं, अमिताभ ठाकुर जेल में है, तीसरा नाम दुर्गा शक्ति नागपाल सस्पेंड करवाने वाले आज बीजेपी में, मनोज पंडित जी ऑडियो आ रहा है, तिलक जी अमिताभ ठाकुर का विवाद किससे नहीं हुआ मुझे बताइए, सबसे पहले उनका विवाद तो किसी ने नहीं भेजा ना, किसी ने उनकी नौकरी तो नहीं छीनी ना, सवाल पूछ लिया क्या, उस विवाद में आपको पता है क्या हुआ, वो ऑडियो अमिताभ ठाकुर ने जो बात मुलायम सिंह यादव को हुई जेल में, वो बात दुर्गा शक्ति नागपाल सस्पेंड, अब बीजेपी में वो नेता है जिन्होंने सस्पेंड करवाया, नरेंद्र भाटी जी, मनोज पंडित जी, इसलिए प्रोपोगंडा जो चलाते हैं ना सर, उनको समझाइए, मैं प्रोपोगंडा नहीं चला, मैं सवाल जी मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रोपोगंडा चला रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अब प्रदेश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, झूठे गलत समझौने पे नहीं समझ जा रहे, जो काम करेगा उसकी बात मानेगा, जितने विकास की जागरूक मानेगा, जो प्रोपोगंडा चलाते हैं मेरे देश की जनता जानती है उन्हें, मेरे देश की जनता जानती है उसे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जो प्रोपोगंडा चलाते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कपीश जी आपका भी, मनोज पंडित जी आपका भी, केपी त्रिपाठी जी आपका भी, और भार्गव जी आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर सवाल यही जो मुद्दा आपका था, सवाल ये कि क्या वाकई में मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस वक्त कोशिश प्रयास किए जा रहे हैं, और क्या मुद्दों ध्यान भटकाने के लिए प्रोपोगंडा चलाए जा रहे हैं, और उस प्रोपोगंडा में मीडिया का सबसे अहम रोल है।
यह आप खुद ही तय करिए। इस सवाल का जवाब आप खुद ही जानते। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।